तो गाइस हमने प्रेसिपिटेशन में अभी तक रेनिंग स्टेशन वगैरह देख लिए हैं, किस तरह के प्रेसिपिटेशन किस तरह आता है, क्या फॉर्म से प्रेसिपिटेशन के, क्या टाइप से प्रेसिपिटेशन के, ये हमने अभी तक देख लिया है। ओके, और हमने नंबर ऑफ रेनिंग स्टेशन रिक्वायर्ड कितने लगते, क्या लगते, सीवी, इसके फॉर्मूलेज और इसके प्रॉब्लम्स हमने लास्ट लेक्चर्स में देख लिए। अभी हम सॉल्व यानी अभी हम देखेंगे डैट कर्व। ओके, DAD डैट कर्व। आप बोलेंगे अभी डैट, हाँ सिविल इंजीनियरिंग में भी डैट आ रहे हैं। DAD डैट कर्व, DAD डैट कर्व। ओके, सो डैट कर्व, डैट मीन्स व्हाट? अभी आप बोलेंगे व्हाट इज डैट, यानी डैट डैट मीन्स अभी ये क्या है। ओके, डैट मीन्स अभी ये क्या है। सो डी इट इज रिक्वेस्ट डेप्थ ऑफ रेनफॉल, सॉरी डेप्थ ऑफ रेनफॉल, पहला डेप्थ ऑफ रेनफॉल, ए इट इज रिक्वेस्ट टू कैचमेंट एरिया, एंड अगेन डी इट इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रोम, डेप्थ ऑफ रेनफॉल, कैचमेंट एरिया, ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रोम, डैड कर्व। बोलेंगे अब इसका रिलेशन क्या है बाबा? देख सीधी बात, आप एक क्या कर लो, आप एक गमीला ले लो, शावर चालू कर दो, शावर होगा आपके घर में, नल होगा, नल को शावर में कन्वर्ट कर लो लगे तो जाली लगा के। ओके, गायर नहीं लाओ, सो दोनों कर सकते हैं। ओके, सो क्या करो कि अभी बारिश तो आई है रही है, वो तो ठीक ही है, वो तो पता है आपने, लेकिन अपन ये भी कर सकते हैं कि नल को जाली लगा के या फिर शावर चालू करके जो अपना टब है वो टब हम ये कर सकते हैं। अब शावर का आप ये क्या कर सकते हैं कि वहां पे शावर कितना, एक आवर में कितना डेप्थ अपने गमीले में लिया, गमीला इज नथिंग बट अ कैचमेंट। ओके, अगर अपन ने गमीला ले लिया या फिर बकेट ले ली बड़ी, दैट इज नथिंग बट अ कैचमेंट, तो वो कैचमेंट में एक आवर में कितना पानी डेप्थ हुआ, एक आवर में पकड़ लो, 30 मिनट में पकड़ लो, 10 मिनट में पकड़ लो, 1 मिनट में पकड़ लो, मिनट्स में पकड़ो आप, क्योंकि कैचमेंट छोटा है आपका, तो आपको पता चल जाएगा कि एक आर में कितना एमएम डेप्थ, यानी कितना एमएम डेप्थ पानी आया है वो बकेट में, बकेट इट इज अ कैचमेंट। उसी तरह अपना कैचमेंट यानी एक टोटल 30 किलोमीटर स्क्वायर, 40 किलोमीटर स्क्वायर, 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, दैट डिपेंड अपॉन द टोपोग्राफिकल कंडीशंस। व्हाट इज टोपोग्राफिकल कंडीशन? अब देखो क्या हो सकता है कि एक एरिया ऊपर और एक एरिया नीचे रह सकता है, तो जो भी पठार एरिया, पठार मीन्स व्हाट, अभी प्लेन एरिया, जो भी प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया के लिए, प्लेन एरिया के लिए आपका क्या होगा, प्लेन टोटल प्लेन एरिया के लिए आपका एक कैचमेंट अपन पकड़ सकते हैं। अब प्लेन एरिया के बाद अगर ऊपर कोई एरिया है और नीचे कोई एरिया है, तो जब अगर ग्रेड सेपरेशन हो रहा है, यानी इसका आरएल कुछ अलग है और इसका आरएल बहुत ही ज्यादा अलग है, यानी डीप है, तो दोनों कैचमेंट्स मेरे अलग हो गए। ओके, दोनों कैचमेंट्स मेरे अलग हो गए, तो एक पूरा कैचमेंट 30 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, 150 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, या फिर 10 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, हिली एरियाज में 10 किलोमीटर स्क्वायर, पठार एरिया में 100-150 किलोमीटर स्क्वायर तक का एरिया सेम रहेगा, तो वो सेम एरिया में कितना बारिश गिरी, दैट इज अ डेप्थ ऑफ रेनफॉल, कितने घंटे के लिए गिरी, एग्जैक्टली दैट इज अ ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, एरिया इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ दैट कैचमेंट, डेप्थ इनटू एरिया इज नथिंग बट अ वॉल्यूम, डेप्थ इनटू एरिया इज नथिंग बट व्हाट, वॉल्यूम, ड्यूरेशन, वॉल्यूम बाय ड्यूरेशन इट्स नथिंग बट अ गाइस मीटर क्यूब पर
आर इज नथिंग बट अ डिस्चार्ज, इज नथिंग बट व्हाट, डिस्चार्ज कर दैट कर, समझे क्या? हम यहां से हम डिस्चार्ज कर भी निकाल सकते, यहां से हम डेप्थ कर भी निकाल सकते, ओके दोनों निकाल सकते। अब देखो इसका अभी ये क्या है, व्हाट इज, यानी डैड, तो डैड इट इज डेप्थ कैचमेंट ड्यूरेशन, पी ए इट इज इक्वल टू पी ओ इन टू ई माइनस के ए इन टू ए रेस्ट टू द पावर एन, वेर वेर पी ए इट इज इक्वल टू मैक्सिमम एवरेज डेप्थ इन सेंटीमीटर्स, पी ओ इट इज इक्वल टू रेनफॉल एट पी ओ, मैक्सिमम एवरेज डेप्थ इन सेंटीमीटर, कौन सी डेप्थ, रेनफॉल की डेप्थ, नहीं तो आप बोलेंगे हाई की डेप्थ, यहां पे हम सब रेन की प्रेसिपिटेशन की बात कर रहे हैं, रेन, तो रेन की डेप्थ, पी ओ इट इज इक्वल टू रेनफॉल एट द स्ट्रोम कैचमेंट, द सॉरी एट द स्ट्रोम पाउस सेंटर, पावसाच्या सेंटर मध्ये, यानी बारिश के सेंटर में रेनफॉल कितना हुआ, दैट इज पी ओ, ये भी सेंटीमीटर में, यानी इसकी भी डेप्थ, बारिश जितनी गिर रही उसके सेंटर में उसका डेप्थ, ओके, और ये मैक्सिमम एवरेज डेप्थ पी ए, ई एक्सपोनेंशियल के एंड एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स, कैन एन एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट गाइस, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स, ओके कैन एन एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो आप बोलोगे अभी पी ए क्यों निकाल रहे, मैक्सिमम डेप्थ मुझे कितनी मिल रही मेरे स्ट्रोम में, जब मेरे बारिश गिर रही, कुछ भी बारिश गिर रहा, तो मैक्सिमम डेप्थ मुझे कितनी मिल रही, ये मुझे ये फॉर्मूले से मिले, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट इन टू ई रेस्ट टू द पावर माइनस के ए रेस्ट टू द पावर एन, अगेन रेस्ट टू द पावर एन है, ओके ए रेस्ट टू द पावर एन है, ओके सो ये इसे आपको फॉर्मूले से क्या मिलेगा, पी ए मिलेगा। सो अभी देखो, अभी कुछ तो भी एक फिक्स पकड़ना पड़ेगा, कैचमेंट इज फिक्स, एरिया इज फिक्स, आप करोगे तीन है ना, यानी तीन क्या है, तीन वेरिएबल्स, डेप्थ वेरिएबल है, एरिया वेरिएबल है, ड्यूरेशन वेरिएबल है, तो आप एरिया को अगर फिक्स कर दिए तो दो वेरिएबल, यानी दो इसमें आपका कर्व बन जाएगा, यानी डेप्थ और ड्यूरेशन के इसमें बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते, एरिया को वेरिएबल कर, यानी एरिया को फिक्स कर लेते, डेप्थ और ड्यूरेशन को वेरिएबल कर लेते, ओके तो ए फर्स्ट एरिया is fixed, area is fixed, so ye side kya aayega, maximum depth, maximum depth yani kya hoga, that is what pa, maximum depth, catchment area is same, duration that is time वन मिनट, एरिया इज फिक्स ना, सो एक एरिया को अपन, ये यहाँ पे कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया, सो कैचमेंट एरिया को हम एक फिक्स कर लेते, कैचमेंट एरिया किलोमीटर स्क्वायर एक हमने फिक्स कर लिया, कुछ तो भी एक 100 किलोमीटर स्क्वायर के लिए, तो यहाँ पे ये 2 आवर्स की स्ट्रोम, 3 आवर्स की स्ट्रोम,
आर्स की स्ट्रोम, 8 आर्स की स्ट्रोम, 3 आर्स, 4 आर्स, 8 आर्स, 10 आर्स की स्ट्रोम, यानी ये स्ट्रोम है। देखो क्या हो रहा, देखो PO मैक्सिमम डेप्थ और यहां पे क्या है आपका CA कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया। सो 3 घंटे की रेन, 4 घंटे की रेन, 5 घंटे की रेन, 6 घंटे की रेन, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इतनी डेप्थ चेंज कौन हो रहा, आर्स चेंज हो रहा तो डेप्थ चेंज हो रही, यानी आपकी डेप्थ कैसे कैसे चेंज हो रही, जैसे जैसे आपका आर्स यानी ये आर्स चेंज हो रहा वैसे वैसे आपकी डेप्थ चेंजेस होती जा रही। ओके, चेंजेस होती जा रही। नेक्स्ट सेकंड, ड्यूरेशन इज फिक्स, ड्यूरेशन इज फिक्स, अगर ड्यूरेशन फिक्स रहा तो क्या होगा, किलोमीटर स्क्वायर मैक्सिमम एवरेज डेप्थ, ड्यूरेशन इज फिक्स, व्हेन ड्यूरेशन इज फिक्स, तब मेरा ये सपोज 4 आवर्स का है, सो कैचमेंट छोटा है डेप्थ बड़ी रहेगी, कैचमेंट बड़ा रहेगा डेप्थ छोटी रहेगी। ओके, ड्यूरेशन फिक्स, ड्यूरेशन इज फिक्स। So, दो फिगर्स है आपके पास, एक अगर आपका कैचमेंट फिक्स है तो कैचमेंट फिक्स में क्या हो रहा, आपका कैचमेंट फिक्स में आपका यहां से यहां से यहां से यहां से आपका क्या हो रहा कि कैचमेंट फिक्स में आपका ये 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 आपका डेप्थ 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 इंक्रीज हो रहा, जैसे ही आपका स्ट्रोम इंक्रीज हो रहा, स्ट्रोम के आर्स इंक्रीज हो रहा, यानी अगर 3 घंटे कुछ ये है यानी कम है, सपोज वी कंसीडर एट 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर फॉर 10 आवर्स, तो ऐसी आपकी डेप्थ इंक्रीज होते जा रही सेम कैचमेंट के, और यहाँ पे सेम आर की स्ट्रोम है, दो कैचमेंट्स है मेरे पास, एक का एरिया कम है एक का एरिया ज्यादा है, तो ज्यादा एरिया के लिए डेप्थ ऑफ द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द स्ट्रोम और रेनफॉल इट इज लेस, एंड कम एरिया रहेगा तो मैक्सिमम डेप्थ आपकी ज्यादा रहेगी। मैंने सीधा सीधा एग्जांपल दिया बादली आपका यानी बकेट, बकेट अगर आप लोगे तो ज्यादा डेप्थ मिलेंगी, और उसी का अलावा आप टब अगर आप लोगे बहुत बड़ा टब लोगे तो आपको कम डेप्थ मिलेंगी, वही कैचमेंट एरिया पर डिपेंड है, इट्स डिपेंड अपॉन द कैचमेंट एरिया। ओके, सो प्लीज गाइज लिख लो, फॉर अ गिवन कैचमेंट एरिया, प्लीज लिख लो, फॉर अ गिवन कैचमेंट एरिया, 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 एज ड्यूरेशन इंक्रीजेस depth increases, duration increases, depth increases, duration increases, depth increases, as shown in figure 1, which is figure 1, this is figure 1. Shown in figure 1, this is figure 2. For a given duration, this guys,
गिवन ड्यूरेशन 4 घंटे की ही रहना है, फॉर अ गिवन ड्यूरेशन, फॉर अ गिवन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन इज फिक्स किया है, ड्यूरेशन को फिक्स किया, फॉर अ गिवन ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रोम कैचमेंट एरिया इंक्रीजेस, डेप्थ डिक्रीजेस. कैचमेंट एरिया इंक्रीजेस, डेप्थ डिक्रीजेस, डेप्थ डिक्रीजेस एज शोन इन फिगर टू, एज शोन इन फिगर टू. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? एमपीएससी सीधा पूछ लेते डैट कर के बारे में, बाकी पीडब्ल्यूडी एग्जाम सीधा पूछ लेते. क्या है? कुछ भी नहीं है इसमें. यानी आपको अगर दिख रहा है तो क्या, डैट कर, डैट यानी क्या है, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन. डेप्थ एरिया ड्यूरेशन में क्या है, आपने क्या कर लिया यहाँ पे, टाइम आपके ड्यूरेशन के ये स्ट्रोम्स है, स्ट्रोम्स के यानी स्ट्रोम्स में क्या हो रहा है कि ये ऊपर ऊपर क्यों जा रहे, क्योंकि इसका एरिया इस फिक्स है, एरिया फिक्स है, कैचमेंट एरिया फिक्स है, तो आपका क्या बढ़ रहा है, डेप्थ बढ़ रहा है. सीधी सीधी बात है, डेप्थ गिरेगा, ज्यादा देर रेन गिरेगी तो रेनफॉल की डेप्थ गिरेगी, यानी बढ़ेंगी, बढ़ेंगी तो क्या आएंगे, बाढ़ आ सकती, या फिर आपका जो भी ये है यानी कैचमेंट है, वो कैचमेंट पूरा पूरा फुलफिल हो सकता है वाटर से, यानी जो उसके रिक्वायरमेंट है वो. कैचमेंट अगर कम कर दोगे डेप्थ बढ़ेंगे, कैचमेंट अगर ज्यादा कर दोगे डेप्थ घटेंगे, सेम स्ट्रोम के. कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें, मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते डैट पर में. हां वो कैचमेंट इंक्रीज झाला तर कैचमेंट इट इज इंक्रीज, डेप्थ इट इज डिक्रीज. मोठा गमीला घेतला आपण, त्याच्यामध्ये पाऊस पडला, शावर लावून, ऑब्व्हियसली कमी आपला त्याच्यामध्ये डेप्थ राहील. पण तू छोटी बादली घेतली, छोटी बादली, त्याच्यामध्ये सेम स्ट्रोम काढले, तुला डेप्थ जास्त भेटणार. समजलं का? एवढी बादली, बादली लवकर भरेल, गमीला भरायला वेळ लागेल, त्याची डेप्थ कमी लागेल, कमी राहील. ओके, कारण की त्याचा एरिया जास्त, एरिया जास्त, डेप्थ कमी. ओके, एरिया कमी, डेप्थ जास्त, हे इथे सरळ सरळ सा कन्सेप्ट आहे, सीधा कन्सेप्ट आहे. इसमें कोई याने सोचने की बात नहीं है. ओके, सो ये आपका डैट कर, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर, इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, एमपीएससी एंड ऑल अदर एग्जाम्स. एंड आपके ये डायरेक्टली स्टेटमेंट के में क्वेश्चन आता है, ईएससी में स्टेटमेंट के इसमें क्वेश्चन आता. ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट एस्टिमेशन, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक. Estimation of missing rainfall. Estimation of missing rainfall data. And represent normal annual average precipitation and represent normal annual average precipitation. It is the annual average precipitation of a particular
स्टेशन। कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन 30 ईयर रिकॉर्ड्स। थर्टी ईयर रिकॉर्ड। एंड रिप्रेजेंट नॉर्मल एनुअल एवरेज प्रेसिपिटेशन। नॉर्मल एनुअल एवरेज प्रेसिपिटेशन बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एंड रिप्रेजेंट क्या है? नॉर्मल एनुअल एवरेज प्रेसिपिटेशन। ओके, इट इज द एनुअल एवरेज प्रेसिपिटेशन। एनुअल एवरेज प्रेसिपिटेशन फॉर व्हाट बेस्ड ऑन 30 ईयर रिकॉर्ड। 30 ईयर रिकॉर्ड। 30 ईयर रिकॉर्ड 30 ईयर के रिकॉर्ड के बेसिस पे है। अब ये कैसे? एकाधि स्टेशन क्या होता कि आपके रेनगेज स्टेशन है और 90% नॉन रिकॉर्डिंग रेनगेजेस है, 10% रिकॉर्डिंग रेनगेजेस है। 10% रिकॉर्डिंग, 10% से ज्यादा और 10 मिनिमम 10% रिकॉर्डिंग रेनगेजेस लेना, ये आईएस कोड ने हमको बोला है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स ने हमको बोला है। तो 10% रिकॉर्डिंग रेनगेजेस एंड 90% नॉन रिकॉर्डिंग रेनगेजेस, इसमें से एकाधी रेनगेज आपका क्या हो गया? एकाधी रेनगेज आपका सपोज बंद हो गया। देखो 100% रेनगेजेस है, 100% रेनगेजेस में से क्या हो गया कि ये सपोज आपका एक कैचमेंट एरिया, दिस इज योर कैचमेंट एरिया लाइक दिस, दिस नॉट अ सर्कुलर और नॉट एनी अदर शेप, ये आपका सपोज ए वन टाइप ऑफ अ कैचमेंट एरिया। तो ये कैचमेंट एरिया में नंबर ऑफ रेनगेजेस आपने दिए हैं, जितने भी नंबर ऑफ रेनगेजेस हमने ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेनगेजेस के हमने क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में फाइंड किया, तो वही क्वेश्चन अपन देख लेते कि नंबर ऑफ रेनगेजेस के इसमें आपने कुछ रेनगेज स्टेशन आपने इंस्टॉल किए हैं। तो नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशन आपने इंस्टॉल किए उसमें का एकाधि रेनगेज क्या हो गया कि बारिश के टाइम खराब हो गया, खराब हो गया, या फिर वो स्टेशन से आपको रीडिंग्स ही नहीं मिल रही है, कुछ तो भी प्रॉब्लम हो गया कुछ दिन के लिए, क्योंकि तो कुछ दिन के लिए प्रॉब्लम हो गया। तो यानी सपोज सपोज आप बोल सकते कि ये NX1 NX2, तो आप बोल सकते, या फिर आप N1 N2, यहाँ पे P1 रहेगा, यहाँ पे P2 रहेगा, N3 P3 रहेगा, N4 P4 रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि एकाधि रेनगेज स्टेशन ऐसी होगा कि जैसी N का N1 का मेरा क्लोज हो गया, यानी प्रिया रेनगेज स्टेशन 1 मेरा क्लोज हो गया, क्लोज हो गया यानी मुझे रीडिंग ही नहीं मिल रही, एरर आ गया यहाँ पे, कुछ ना कुछ मेरा क्या आ गया, एरर आ गया। तो मैं क्या करूंगा, N1 P1 स्टेशन, N1 पे P1 एक प्रेसिपिटेशन गिर रहा है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा कि यहां पे मैं एवरेज ऑफ 30 ईयर्स का निकाल के उसका मैं क्या कर लूंगा, प्रेसिपिटेशन ले लूंगा कि 30 ईयर्स में जितनी बारिश गिरी उसका एक एवरेज निकाल के मैं वहां पे ले लूंगा, और उसका फिर मैं बाकी इसका एवरेज निकाल के कैचमेंट में कितना डेप्थ गिरा है वो मैं देख लूंगा। आपको क्या करना है, इट इज हाइड्रोलॉजी, इट इज सिंपल सिंपल थिंग। आपको क्या करना है कि डेप्थ ऑफ रेनफॉल कितना हुआ उसको एरिया से इंटू कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि बारिश अपने एरिया में कितनी गिरी, ये आपको निकालना है। ये एक सिंपल फंडा है, यानी हाइड्रोलॉजी से सिंपल और कुछ भी नहीं है। तो उस पे उसको गिनने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि उसको गिनने के लिए मैं क्या ले रहा, उसको गिनने के लिए मैं रेनगेज स्टेशन ले रहा, उसको गिनने के लिए मैं क्या ले रहा, रेनगेज स्टेशन ले। अब रेनगेज स्टेशंस में क्या हो रहा कि रेनगेज स्टेशंस में मेरा एक रेनगेज स्टेशंस अगर खत्म हो गया, यानी बंद हो गया, तो मिसिंग रेनफॉल मेरा आ गया, मिसिंग रेनफॉल डाटा आ गया, और वो मिसिंग रेनफॉल डाटा मुझे ये करने के लिए यानी निकालने के लिए मैं लास्ट 30 ईयर्स का डाटा लूंगा, और लास्ट 30 ईयर्स का मैं एवरेज कर लूंगा और वो मैं डायरेक्टली वहां पे लिख लूंगा, खत्म चीज। समझे क्या?
समझे क्या गाइस? हाँ लेट लेट द स्टेट प्लेस स्टेशन प्लेस फ्रॉम 1 जनवरी 1987। तो यहां से 30 इयर्स 30 इयर्स 31 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर 2016 तक का डाटा मेरे पास रहने को है। 2017, 18, 19, 20 तो आप बोल सकते हैं कि अभी 21 का मिसिंग है, 21 का मिसिंग है। तो मैं क्या करूंगा, 20 तक का पूरा डाटा ले लूंगा। कहां से? यहां से इंस्टॉल्ड हुआ है यहां पे, फर्स्ट स्टेशन प्लेस्ड फ्रॉम 1 जन 1987 को इंस्टॉल हुआ है। लेकिन मैं डाटा अभी कहां से लूंगा फिर? अगर मुझे 21 के लिए चाहिए, यानी 2021 के लिए मुझे चाहिए, तो मैं -30 ईयर्स कर लूंगा। -30 ईयर्स मैं कर लूंगा तो मुझे कहां से चाहिए फिर? 90 से डाटा चाहिए, 90 to 20, 2020, यानी 1992 2020 तक का डाटा मुझे चाहिए। उसका मैं एवरेज करूंगा काई के लिए, 2021 के लिए, जो मेरा मिसिंग है। जो मेरा क्या है, मिसिंग है उसके लिए। ओके, सीधी सीधी बात है। तो उसके लिए मेथड्स है गाइस, उसके लिए क्या है, मेथड्स है, सम मेथड्स इज देयर। और इस मेथड पे गेट क्वेश्चन पूछता है। ओके, गेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर गेट, दैट कर एंड दिस कर, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर गेट। ओके, सो फर्स्ट मेथड गाइस, फर्स्ट मेथड नॉर्मल रेशियो मेथड, नॉर्मल रेशियो मेथड, दैट इज फर्स्ट मेथड। सो P1 जो भी मेरा नहीं है, दैट इज नथिंग बट अ PX और NX। P1 अभी मेरा नहीं है, तो उसको मैं P1 को क्या कर लूंगा, PX, और इसको भी क्या कर लूंगा, N को NX। ओके, दैट आई पुट इट इज P1 NX। नेक्स्ट, अभी मेरा P2, P3, P4, P5 जो भी है वो मैं इज इक्वल टू करके यहां पे लिख लूंगा 1/M P2/N2 प्लस P3/N3 प्लस गोज ऑन PM/NM, ये करके मैं निकाल लूंगा। सपोज एग्जाम्पल, अब यहां पे कितने, चार है ना गाइस, चार पे का पहला क्लोज है। तो अभी यहां पे देखते हैं, यहां पे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है का, इसका एग्जाम्पल, दैट इज अ एग्जाम्पल। ओके, इसका एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, जो अपन ने कैचमेंट लिया, चार मेरे रेलवे स्टेशन लिए। तो PX NX इट इज इक्वल टू 1/4, इट इज इक्वल टू वन मिनट गाइस। वन मिनट गाइस।
बाय एन टू प्लस पी थ्री बाय एन थ्री प्लस पी फोर बाय एन फोर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय आपको फोर करना पड़ेगा। क्यों फोर करना पड़ेगा गाइस? 1 2 3 4, चार स्टेशन सर, एम एंड इज फोर। ओके सो इस तरह आपको लेना पड़ेगा। ओके दैट इज फर्स्ट मेथड। व्हाट इज पी एक्स नाउ? पी एक्स इज इक्वल टू एनुअल रेनफॉल। एनुअल रेनफॉल वैल्यू ऑफ इन ऑपरेशनल, सॉरी इन ऑपरेशनल और इन ऑपरेटिव स्टेशन, इन ऑपरेटिव स्टेशन, इन ऑपरेशनल स्टेशन बोल सकते जो भी अभी एरर आ रहा है, वो स्टेशन खराब हो गया, उस स्टेशन के लिए आप इन ऑपरेटिव स्टेशन बोल सकते हैं। नॉर्मल एनुअल दैट एनएक्स, नॉर्मल एनुअल रेनफॉल, एनुअल एवरेज रेनफॉल इन ऑपरेटिव स्टेशन, इन ऑपरेटिव स्टेशन पी टू पी थ्री पी फोर लाइक पी एम, एनुअल रेनफॉल वैल्यूज एनुअल रेनफॉल वैल्यूज ऑफ एम स्टेशन एम स्टेशन एम स्टेशन एन वन एन टू एन एम नॉर्मल एनुअल एवरेज एवरेज रेनफॉल ऑफ इन स्टेशन। अब यहां पे मैंने n1 लिखा, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको nx nx अगर लिख दिया तो n2 को आप n1 लिख सकते हैं, n3 को आप n2 लिख सकते हैं, n4 को आप n3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर आपने n1 को nx कर लिया तो वैसे आपके नंबर्स घट भी सकते हैं, तो कोई कोई एग्जांपल्स में ये भी रख सकता कि p1 p2 p3 भी आप लिख सकते हैं अगर आपने p1 को px लिख दिया। ओके वो भी आपका, अगर वैसे भी आपका लिख के है तो वो भी सही फॉर्मूला है। ओके अब मैंने p1 को ही px लिखा इसलिए मैंने वहां पे p1 नहीं लिखा। ओके p2 से मैंने स्टार्ट कर लिया जो भी आपका यहाँ पे है। तो अगर आपको फॉर्मूला दिखा कोई अलग बुक में px बाय nx आपकी एस की बुकलेट में, p1 बाय n2 p2 बाय n2 यानी p1 बाय n1 p2 बाय n2 p3 बाय n3, तो वो सही है, तो वो क्या है सही है क्योंकि उन्होंने जो मिसिंग है मिसिंग को सीधा सीधा एक्स ले लिया और बाकी इसको 1 2 3 नाम दे दिया। ओके तो वैसे भी हम कर सकते हैं। ओके ऐसे जरूरी नहीं है कि पी टू ही रहेगा करके, अब मैंने एग्जांपल में लिया है इसलिए मैंने वो एग्जांपल में आपको बताया। ओके P1 यानी एनुअल रेनफॉल वैल्यू और N यानी नॉर्मल एनुअल एवरेज रेनफॉल, नॉर्मल एनुअल एवरेज रेनफॉल N1। ओके N नॉर्मल एनुअल रेनफॉल नॉर्मलाइज वैल्यू, नोट नोट गाइस प्लीज, सॉरी पहले M लिख लो, M इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑपरेटिव और वर्किंग स्टेशन, नंबर ऑफ ऑपरेटिव और वर्किंग स्टेशन M इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 रहेंगे फिर
यहाँ पे थ्री ही रहेगा फिर, सॉरी यार देर इज थ्री. एम इट इज इक्वल्स टू, एम इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑपरेटिव और वर्किंग स्टेशन, ऑपरेटिव और वर्किंग स्टेशन. अगर मैंने चार लिया है, चार में से तीन ही वर्किंग है, एक दो तीन ही वर्किंग है, तो मैं एम इट इज इक्वल्स टू क्या लूंगा, तीन ही लूंगा. ओके तीन वर्किंग स्टेशन हो गए, एम इट इज इक्वल्स टू वर्किंग स्टेशन यार, ऑपरेटिव स्टेशन. नोट गाइस, नोट, इफ द नॉर्मल एनुअल एवरेज रेनफॉल, इफ द नॉर्मल एनुअल एवरेज रेनफॉल ऑफ एम स्टेशन, ऑफ एम स्टेशन, ऑफ एम स्टेशन, एम स्टेशन N1, N2, NM, N1, N2, NM are within 10%, are within 10%, are within 10%. N1, N2, NM यानी जो भी नॉर्मल एनुअल एवरेज रेनफॉल फॉर एम स्टेशन यानी तीन स्टेशन अगर है अभी यहाँ पे, तो वो क्या में है, विद इन 10% की इसमें है, विद इन 10%, विद इन 10%, विद इन 10%, ओके विद इन 10% ऑफ द नॉर्मल एनुअल एवरेज प्रेसिपिटेशन, ऑफ द नॉर्मल एनुअल एवरेज प्रेसिपिटेशन, ऑफ द नॉर्मल एनुअल एवरेज प्रेसिपिटेशन, ऑफ द नॉर्मल एनुअल एवरेज प्रेसिपिटेशन of station x, of station x, of station x, that is nx, that is nx comma, then simple arithmetic average, simple arithmetic average produce follows px is equals to p1 plus p2 plus p3 plus pm divided by m working stations. ओके डायरेक्टली सिंपल एवरेज अपन कर लेंगे. अगर क्या होगा कि 10% के बीच में रहा तो, यानी सभी जो भी है p1 p2 p3 जो भी वर्किंग स्टेशन है, ये वर्किंग स्टेशन है, ये मेरे 10% के भीतर ही रहे सभी, तो मेरा डायरेक्टली एवरेज होगा. तो वो कैसे होगा, डायरेक्ट एवरेज कैसे होगा, ओके डायरेक्ट एवरेज कैसे होगा, तो इसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं, यानी क्वेश्चन से आराम से पूरे का पूरा समझ जाओगे क्या रहेगा. कर क्लिक होगा इस क्वेश्चन, इन अ कैचमेंट, इन अ कैचमेंट in a catchment there are three rain gauge station ABC, three rain gauge station one minute guys. Three rain gauge station A, B, C. Which had normal annual average rainfall of 170.6 centimeter, 180.3 centimeter, and
165.3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी ए के लिए हो गया, ये बी के लिए हो गया, ये सी के लिए हो गया रिस्पेक्टिवली। इन ए पर्टिकुलर ईयर, पर्टिकुलर ईयर है दिस ईयर भी पकड़ लो आप, स्टेशन बी वॉज इन ऑपरेटिव। ड्यूरिंग दिस ईयर, ड्यूरिंग दिस ईयर, ड्यूरिंग दिस ईयर स्टेशन ए एंड सी रिकॉर्ड्स अ वैल्यू एट स्टेशन, सॉरी रिकॉर्ड्स अ वैल्यू ऑफ 153 सेंटीमीटर एंड 145 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द रेनफॉल वैल्यू एट स्टेशन बी कैन बी एस्टिमेटेड एज, एस्टिमेटेड एज इन सेंटीमीटर। पहला 160 सेंटीमीटर्स, बी 149 सेंटीमीटर्स, सी 420 सेंटीमीटर्स, डी जीरो। जीरो तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों में से रह सकता है या फिर ये भी रह सकता, पता नहीं क्या रहेगा। तो सॉल्यूशन गाइस, सॉल्यूशन सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन? स्टेशंस ए बी सी एन एंड पी। अब नॉर्मल वैल्यूज देखो गाइस, नॉर्मल एनुअल एवरेज रेनफॉल, प्लीज ये लिख के रहता है, ये आप देख लेना, नॉर्मल एनुअल एवरेज रेनफॉल। ओके, ए के लिए क्या है 170.6 सेंटीमीटर, इट इज इन सेंटीमीटर्स, आप यहाँ पे लिख सकते हो सेंटीमीटर्स पर। 180.3 सेंटीमीटर्स एंड 165.3। अब नॉर्मल आपके पास है, आपके पास क्या नहीं है, पी नहीं है, यानी ये आपके पास एक्स है, ये नहीं है आपके पास। अब प्रेसिपिटेशन एट दैट ईयर, यानी आप 2021 में आपका बी जो स्टेशन है वो इनऑपरेटिव है, तीन रेनगे स्टेशन है आपके कैचमेंट में, तीन में से आपका जो बी वाला है वो इनऑपरेटिव है, वो ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे 153 लिखे हैं, 153 एंड 145, ये आपको देखिए, आप देखो। अब सबसे पहले चेक करना है कि ये 10% में है या नहीं है, नोट के हिसाब से मैंने जो नोट अभी लिख के दिया है, N1 N2 N3 नॉर्मल रेन गेज यानी नॉर्मल एवरेज प्रेसिपिटेशन, अगर ये विद इन द 10% है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल्स टू मीन रहेगा डायरेक्टली, यानी नॉर्मल एक मीन लेंगे अपन, नॉर्मल मीन लेंगे। ओके, अगर वो नहीं होगा तो फिर नॉर्मल रेशियो मेथड से आपको जाना पड़ेगा, अगर 10% से कम नहीं होगा तो नॉर्मल एनुअल मेथड से अपने को, यानी नॉर्मल रेशियो मेथड से अपने को ये मेथड से जाना पड़ेगा।
ओके तो ये मेथड है या नहीं है सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। तो चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको विद इन द 10% है या नहीं है ये पहले सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। ओके बहुत इजी है गाइस, कोई डिफिकल्ट नहीं है। एनएक्स इज इक्वल टू एन बी इट इज इक्वल टू लाइक नाउ एनएक्स इट इज इक्वल टू एन बी है। ओके इट इज इक्वल टू 180.3 सेंटीमीटर। अब इसका 10% माइनस कर लो, रेंज एक रेंज दैट इज अ रेंज, 10% यानी कैसी कैसी करोगे आप 10%? इसका 10% यानी क्या होगा, 18.03 होगा, 10%। तो वो माइनस कर लो और प्लस कर लो, यानी कैसी करेंगे, 180.3 प्लस, सॉरी ये माइनस कर लेंगे या इधर साइड जा रहे तो माइनस 180.3 डिवाइड बाय 10 यानी 10% माइनस, तो ये एक वैल्यू निकल जाएंगे। और 180.3 प्लस 180.3 बाय 10। और आप क्या कर सकते, और ये भी मैं बता सकता कि कैसी कर सकते, कि यहाँ पे आप इसको कॉमन निकाल सकते, यानी कैसी कैसी कॉमन निकाल के आप, ये एनएक्स है अपना, सो एनएक्स इट इज कॉमन 1/1/10 ऐसी लिख सकते हैं, और एनएक्स 1+1/10। ओके ऐसे भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, यानी दिस 180.3 into 1 minus 1/10 into 1 minus 1+1/10 ऐसे भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ओके लेकिन सो सिंपल इज दैट कि इसमें से 10% इसका माइनस कर लो, इसमें से 10% इसका प्लस कर लो, खत्म करो। 10% क्या रहेगा, सीधे सीधा डिवाइड बाय 10 कर देंगे आप, 18.03 आप उसको माइनस कर दो, 18.03 आप यहाँ पे प्लस कर दो, ज्यादा दिमाग लगाने से बेटर। ये क्या आप पूछते पीडब्ल्यूडी में, ये डायरेक्टली फॉर्मूले पूछ लेते हैं ऐसे एकदम पांच हट। लास्ट यानी कल का पेपर था अपना MIDC, बहुत इजी क्वेश्चन थे, एकदम फालतू क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन आप भी पूछे जाते हो। ओके सो इसलिए ये भी बराबर करो, कितना आता बताओ, रेंज दैट इज अ रेंज प्लस माइनस ऑफ 10%, 10% वाली रेंज है, बताओ। गाइस गिव मी द आंसर, 162.27 दिस198.33 198.3। देखो अब ये जो ए है ये 190 से कम है और 162 से ज्यादा, यानी इसके बीच में, इसके बीच में विद इन द ये, ओके ए का, और अपन सी का भी देखेंगे एनएक्स, तो वो भी इसके बीच में, यानी एन ए एंड एन सी आर विद इन द आर विद इन 10% ऑफ एनएक्स इज इक्वल टू एन बी, यानी मैं क्या कर सकता, पी एक्स इज इक्वल टू डायरेक्टली एवरेज कर सकता, यानी मेरा पी एक्स क्या हो जाएगा,
Px क्या हो जाएगा मेरा डायरेक्टली, दैट इज 153 प्लस 145 डिवाइड बाय 2। व्हाट इज आंसर? यानी आप बोल सकते हैं यहाँ पे पी ए प्लस पी सी डिवाइड बाय एम, एम इट इज व्हाट, ऑपरेटिव यानी दो। ओके सीधी बात है, समझे क्या? ऐसे क्योंकि अगर कि ये 10% के बीच में है, एन ए और एन सी, एन ए एंड एन सी, ये दोनों 10% के बीच में है आपका, क्योंकि ये वैल्यू 170.6 ये दोनों के बीच में है, और ये भी वैल्यू 165.3 ये दोनों के बीच में है। ये रेंज हो गई आपकी, ये क्या होगी रेंज, इसके अगर बीच में है तो डायरेक्ट आप एवरेज कर सकते हैं, खत्म बात, डायरेक्ट आपका एवरेज आंसर रहेगा। ओके बताओ क्या रहेगा आंसर? 149 149 इज द आंसर, 149 इज द आंसर गाइस। ओके गुड, क्वेश्चन नंबर थ्री नाउ, गो टू क्वेश्चन नंबर थ्री। ओके मैं दिखाता हूँ, ये लिख लो पहले आप, यहाँ पे आप एक और एक नोट लिख लो प्लीज, नीचे नोट लिख लो आप एक, तब तक समझा क्या? ये ऋतुजा समझ लगा? सर एकदा सांगा। एकदा सांगू पर बघ, तिथे अपन काय केलं, आपल्याला बी स्टेशन इन ऑपरेटिव आहे आपला, तर बी स्टेशन इन ऑपरेटिव आहे, त्या कारण आपण काय केलंय, पहिले बी स्टेशनचा आपण एनएक्स घेतलेला आहे, आणि त्या एनएक्सची आपण रेंज काढली 10% प्लस 10% मायनस, तर 10% प्लस 10% मायनस मध्ये बाकीचे स्टेशन आपले येत आहे का नॉर्मल ऍव्हरेज प्रेसिपिटेशन, ते आपण बघितले, बाकीचे आपले स्टेशन येऊन राहिलेले आहे, तर बाकीचे स्टेशन आपले ऍव्हरेज येऊन राहिलेले आहे, म्हणून आपण काय केलंय, नॉर्मल ऍव्हरेज आपण मीन आपण घेऊन घेतला, दोन्ही स्टेशनचा नॉर्मल मीन घेऊन आपण काढून टाकला, तो तुमचा काय झाला, पी एक्स झाला, पी एक्स म्हणजे पी व्ही झाला, कळलं का? तर सर जो तुम्ही आधी फॉर्म्युला सांगितला होता तो अप्लाय नाही होणार का? तो कधी होणार, जेव्हा ऍव्हरेज मध्ये नाही राहणार तेव्हा, म्हणजे रेंज मध्ये नाही राहणार तेव्हा। ठीक आहे। ठीक आहे, तो आता आपण करू त्याचं पण, तो पण सॉल्व करू, सगळ्यात पहिले हे चेक करायचं, इथे जर फेल होत आहे म्हणजे ऍव्हरेज मध्ये नाही निघत आहे, तर मग समोर जायचं, फर्स्ट चैप्टर प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का क्वेश्चन नंबर 3 गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 2 हो के आपके, इट इज अ क्वेश्चन नंबर 3 ना। दिख रहा है क्या आपको? दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पे कितने स्टेशंस हैं इन ए वाटरशेड, वाटरशेड यानी आपका कैचमेंट हो गया, वाटरशेड को ही मैं कैचमेंट बोलूंगा, फोर रेनगेज स्टेशन सर, फोर रेनगेजेस सर। ओके 1 2 3 4 नाम दिया है, आर इंस्टॉलेड नॉर्मल डेप्थ, नॉर्मल डेप्थ यानी क्या हो गया, एनएक्स। आप पहले सॉल्व करके देखो इसको, नॉर्मल डेप्थ एनएक्स, एनएक्स क्या है आपका, एनएक्स इट इज इक्वल टू 60 75 80 एंड 100 रिस्पेक्टिवली, एनएक्स आपके ये एन वन 60, N2 it is 75, N3 it is 80 and N4 it is 100 respectively. The Renge station 3 यानी तीसरा went out of order during a particular year, यानी inoperative है, went out यानी क्या है, inoperative हो गया है एक ईयर में, एक पर्टिकुलर ईयर में, तभी बाकी के Renge stations यानी 1 2 and 4 इसकी रीडिंग क्या है, द रिमेनिंग थ्री स्टेशन वॉज 90 60 एंड 70, 90 किसके लिए हो गया, 1 के लिए, 60 किसके लिए हो गया, 2 के लिए, 70 किसके लिए हो गया,
गाइस 90 इट इज फॉर वन, 60 इट इज फॉर टू स्टेशन, यानी पी वन पी टू एंड दैट इज पी फोर, पी एक्स आपको निकालना है, पी एक्स इट इज नथिंग बट पी थ्री. तो रेनफॉल रेनगे स्टेशन पी थ्री कैन बी एस्टिमेटेड. यू हैव अ 2 मिनट्स, आप मुझे बताओ 2 मिनट में क्या निकलता है आंसर, या फिर मैं ये सॉल्व करके दू अभी आपको. आप फोर्थ वाला क्वेश्चन मुझे बता देना, मैं पहले आपको ये सॉल्व करके देता हूँ. ओके आओ इसको हम बोर्ड पे देखते हैं. तब तक आपका जो दिमाग लगा के एवरेज निकाल के, ने पहले सबसे पहले रेंज निकाल के देखो, रेंज के अंदर आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो नेक्स्ट वाला रेंज फॉर्मूला आपका, नेक्स्ट वाला फॉर्मूला है ना. Guys, please see here. Please see here. Okay. What is given? Question number 3. Page number 6. Stations. 1, 2, 3. And four. N, P, दोनों भी सेंटीमीटर में देखें. पहला स्टेशन 60, 90, 60 देखे है, 75 देखे है, 80 देखे है और 100 देखे है. यहाँ पे X रहेगा 60 एंड 70. तो ये फाइंड करना है आपको. That is PX for P3, यानि PX is equals to P3 मुझे find करना है. NX क्या है आपका अभी यहाँ पे फिर 80 it is equals to N3. यहाँ पे 3 रोमन में, रोमन में ही लिख रहे. ओके सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन ही लिख रहे हैं हम. सबसे पहले रेंज, रेंज का है कि 80 की, सो -10% 80 माइनस 80/10 यानी 8 यानी 72, और +10% 80 प्लस 80/10 यानी 88. इसके बीच में आ रहा क्या 60, 72 के नीचे नहीं आ रहा, 100, 88 से ऊपर है नहीं आ रहा. पी आई एंड पी फोर आर नॉट इन द रेंज, रेंज में नहीं है. सो मैं क्या यूज करूंगा, सो मैं यूज करूंगा गाइस नॉर्मल रेशो मेथड. सो वी यूज नॉर्मल रेशो मेथड. अगर ये रेंज में रहता था 72 रेंज में, 75 ये एन एक्स रेंज में, पी नहीं सॉरी की जगह क्या रहेगा एन रहेगा, एन एन वन और एन फोर रेंज में नहीं है. अगर
ये रेंज में रहता था तो डायरेक्टली अपन नॉर्मल करते थे। अभी क्या है, ये मेरा रेंज के बाहर है, ये भी रेंज के मेरे बाहर है, तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मल रेशो मेथड करूंगा। अगर ये रेंज में रहते थे तो मैं डायरेक्टली एवरेज कर लेता था। किसका एवरेज? ये 1 2 3 का एवरेज मैं डायरेक्टली कर लेता, लेकिन अभी नहीं कर सकता। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल रेशो मेथड यूज करना पड़ेगा। समझ लगा ऋतुजा? करी हो करा सर, करी आंसर आला आ आंसर आला म्हटलं। हलोपन का, बढ़िया, नाइस। पी एक्स बाय एन एक्स इट इज इक्वल टू, पी एक्स बाय एन एक्स इट इज इक्वल टू 1 बाय एन, P1 बाय N1 प्लस P2 बाय N2 प्लस P4 बाय N4। सो व्हाट इज एन? 1 बाय N1 1 बाय 3 PX बाय 80 P1 इट इज 90 बाय 60, P2 इट इज 60 बाय 75, P4 इट इज 70 बाय 100। सो आप पी एक्स इस तरह निकाल सकते, 80 बाय 3 दैट 9 बाय 6 1.5, 60 बाय 75 नहीं पता मुझे अभी, इतना शार्प नहीं है, 100 यानी 0.7। हाउ मच आंसर ऋतुजा? खुशबू 80 80 सेंटीमीटर्स इज योर आंसर। सी इट इज योर आंसर। अभी आप क्या करो, अभी आप फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताओ, फोर्थ वाला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताओ आंसर आता क्या। तो यू हैव अ 2 मिनट्स, गेट 15 क्वेश्चन है। राहुल खुशबू 8th वाला क्वेश्चन सॉल्व करके, यानी फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताओ। इसमें कोई डाउट होगा तो डाउट पूछ सकते हैं आप, डाउट होगा तो डाउट पूछ सकते हैं, प्लीज। एटी के लिए 80 ही आंसर आया। गेट में ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं। और ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क का नहीं, 2 मार्क क्वेश्चन है। आप बोलोगे ये कन्वेंशनल है, इट इज लाइक अ कन्वेंशनल क्वेश्चन। फिलिंग द ब्लैंक्स में ही आएंगे आपको, मैक्सिमम ऑप्शंस नहीं देखे रहेंगे, पुट करना पड़ेगा आपको, यानी नो निगेटिव मार्किंग। लेकिन इसका ये नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है तो हार्ड है करके, इट इज इजी। इट इज इजी। सो गाइस, EQRS दिस आर गिवन, गिवन द आंसर। अब आप बोलेंगे सर आंसर तो वहां पे देखे, लेकिन आपका कैसे निकला है, क्या निकला है, एवरेज क्या, रेंज क्या निकला है, वो भी मुझे पता ना आप। ओके,
आंसर अलग है? हेलो, गाइस वन 1076.20 व्हाट इज 1076.20? वन जीरो नाइन थ्री पॉइंट फोर थ्री, ये तब आंसर ही थे। मतलब सर माझा पण सेम वन आहे ना. जीरो बर सोडून बघू आपण, सोडून बघू आपण। ठीक, देखो बोर्ड पे क्या बोला है। पी क्यू आर एस बोला है। ओके, पी क्यू आर एस बोला है। क्वेश्चन नंबर फोर, पेज नंबर सिक्स, पी क्यू आर एस। ओके, स्टेशंस एन देख लेते, पी देख लेते। एन 780, 850, 920 एंड 980। That is given, okay, 2013, 2013 में पीपी जो है वो 830 है, पीक्यू जो है वो 930 है, एंड पीआर जो है वो 1010 है, और पीएस जो है वो इनऑपरेटिव है। दैट इज पीएक्स दैट वी वांट टू फाइंड। सबसे पहले एवरेज करते हैं, इसकी रेंज करते, दैट इज एन एक्स, इट इज इक्वल टू एन एस, इट इज इक्वल टू रेंज। सबसे पहले आप 980 की रेंज निकाल लो। तो 980 की रेंज यानी 98 प्लस 98 माइनस, 980 माइनस 98, 980 प्लस 98। अब ये प्लस माइनस 98 कैसी रहे, ये आपको पता है कि प्लस 10% माइनस 10%, हाउ मच? नाइन सॉरी एट 882 एंड हियर इज 10। 1078 ये रेंज के बाहर है, आउट है। यानी क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल रेशियो मेथड के लिए ही जाना पड़ेगा। ये दोनों रेंज के अंदर है, दोनों रेंज के अंदर है, ये रेंज के बाहर नहीं, ये भी रेंज के बाहर है। एन पी एंड एन क्यू आर आउट ऑफ रेंज, सो वी यूज नॉर्मल रेशियो मेथड, एन आर एम, नॉर्मल रेशियो मेथड। सो पी एक्स यानी पी एस बाय एन एक्स
यानी एन एस वन बाय एम पी पी बाय एन पी प्लस पी क्यू बाय एन क्यू प्लस पी आर बाय एन आर वन बाय थ्री पी एक्स बाय 980 ऊपर चले जाएगा, इधर चले जाएगा 860 बाय 760 प्लस 930 बाय 850 ऐसी ही किया है आपने एंड 1010 बाय 920 इज इट करेक्ट गाइस, ऐसे ही किया है आपने और आंसर आपका पीएक्स का बताओ क्या है, सेम किया है खुशबू? ओ सर एन की ची वैल्यू 180 ना 780 एन सेवन एटी सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक सर, आंसर क्या आया था 1076.20 ठीक है बाबा, दैट इज एन एमएम आंसर। यहाँ पे क्या देखें 1094 देखें Why this 1094? Oh no, guys! One minute. Whatever. No, that was in MM. MM में ही देखे. उन्होंने क्या ले लिया? उसको सेंटीमीटर में लिया. That is printing error. क्वेश्चन 780 इट इज सेंटीमीटर, 850 इट इज सेंटीमीटर, 920 इट इज इन सेंटीमीटर एंड 980 इट इज इन सेंटीमीटर प्लीज, ये सेंटीमीटर में है और ये एमएम में है, तो ये सेंटीमीटर और एमएम का अगर मैं ये करूँगा, ये रेंज अभी ठीक है, ये रेंज का कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंटीमीटर में होगी मेरी रेंज, लेकिन जब मैं यहाँ पे लिखूंगा तब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक जीरो बढ़ा देना पड़ेगा एमएम में करने के लिए। अब बताओ आंसर, यहाँ पे भी एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज इन एमएम, दैट इज इन एमएम, दैट इज इन एमएम, दैट इज इन एमएम, ये आप प्रिंटिंग एरर है, ये आप चेंज कर लो, मेक इट चेंज, वो प्रिंटिंग एरर आपके बुकलेट में ही है, वो सेंटीमीटर्स में देखिए, NX इट इज इन सेंटीमीटर, नॉर्मल इट इज इन सेंटीमीटर्स में देखिए, और आपका 2013 के लिए प्रेसिपिटेशन एमएम में देखिए, 2013 के लिए प्रेसिपिटेशन आपका एमएम में देखिए, बताओ गाइस। अभी क्या निकला, आंसर तो उसने इग्नोर किया है, आंसर तो उसने इग्नोर किया, 00 तो उसने कहा था ओ तो सही 10-10 तक कैंसिल होने दे, ठीक है मग काही तरी त्यांचा एरर है, आपलं बरोबर आहे मग, ठीक है। इसके बाद का अपन अभी लेते हैं विद इन 5 मिनट्स हम रिज्वाइन करते और इसके बाद का जो मास्क कर रहे हो मास्क पर भी यानी पहला प्रेसिपिटेशन चैप्टर पूरा ओवर कर देते, खत्म कर देते, ओके 5 मिनट में ज्वाइन करते अपन, रिज्वाइन करते, ओके।